अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, और उसके लिए हमें चाहिए होगी कॉफ़ी। हम नेस्कैफे की कॉफ़ी ले रहे हैं, और इसको हमने पहले मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, और उसको बॉइल्ड वाटर में मेल्ट कर लिया है। हाफ कप प्याली हमारे पास क्रीम है, फुल क्रीम, और ये चॉकलेट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, और शुगर है 4 टेबलस्पून। शुगर और कॉफ़ी दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप कॉफ़ी ज़्यादा डालेंगे, अदरवाइज़ आप कॉफ़ी को कम भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास 2 ग्लास दूध है, और साथ में है वनीला एसेंस। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इसकी फ्रेगरेंस पसंद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें तो भी ठीक है, इसके फ्लेवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक सूदिंग सी स्मेल जो वनीला एसेंस की होती है वही फील होगी। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, और आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, अप टू यू। तो चलें चल के हम फिर इसको बनाते हैं। इसको आपने करना क्या है कि पहले कॉफ़ी को गर्म पानी में आपने बॉइल्ड वाटर में मेल्ट कर लेना है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे सेटल कर लेना है। और हमने तो इसको मेल्ट करके फ्रिज में रख दिया था, ये सेटल हो गई है टेम्परेचर, क्योंकि हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी है, अगर हम इसको बॉइल्ड वाटर वाली एज इट इज़ ऐड कर देंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलें चल के बनाते हैं कॉफ़ी। चॉकलेट के बड़े बड़े चंक्स हैं, चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि ये इजीली चॉप हो सके। 2 टेबलस्पून चॉकलेट डाल रही हूँ, अगर आपको ये मिल्क चॉकलेट है, और ये जो बेसिकली बेकिंग में हम यूज़ करते हैं कुकिंग चॉकलेट, ये क्रीम ऐड कर रही हूँ, और साथ में चीनी ऐड कर रही हूँ। चीज़ों को पहले डाल के अच्छी तरह हमने स्मूथ कर लेना। और ये कॉफी है, ये वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स डाल, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसको एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यम्मी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।